तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 21 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल प्रतिपदा और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर। दोस्तों पीएम मोदी ने अभी हाल ही में बीते 12 फरवरी को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की शुरुआत की थी। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर सभी की सुरक्षा को देखते हुए कुछ नए नियम तय किए गए हैं। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर किसी भी तरह के दोपहिया वाहन, पहिया वाहन और धीमी गति से चलने वाले वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई है। बताया गया इस लिस्ट में बिना मोटर वाले वाहन भी शामिल है, साथ ही में जो खेती वाला ट्रैक्टर होता है वो भी शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड काफी तेज रखी जाती है, ऐसे में अगर छोटे वाहन या धीरे चलने वाले वाहनों को एंट्री दी जाती है तो इससे हादसा होने का ज्यादा खतरा हो जाता है। इसी की वजह से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पर, जिसका एक हिस्सा अभी हाल ही में बनकर तैयार हो गया है और लोगों के लिए इसे शुरू भी कर दिया गया है, तो अब इसी एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहन, तिपहिया वाहन और जो भी धीमी गति से चलने वाले वाहन है उन सभी पे रोक लगा दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब के एक नए सिटी फ्यूचर सिटी को लेकर, जो कि पूरी दुनिया भर में अपने आप में ही बड़ा ही खास होने वाला है। जी हां, सऊदी अरब अब अपनी अर्थव्यवस्था से तेल की निर्भरता को खत्म करना चाहता है। इसका आसान सा मतलब यह है कि सऊदी अरब केवल तेल की कमाई पे निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसी की वजह से सऊदी की सरकार दुनिया भर से ज्यादा निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले सऊदी अरब ने एक लाइन सिटी नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसी कड़ी में ये खबर आ रही है कि सऊदी सरकार ने देश की राजधानी रियाद में न्यू मुरब्बा नाम का शहर बनाने का फैसला किया है। बताया गया इसके तहत एक विशाल इमारत बनाई जाएगी जो कि शहर का केंद्र बिंदु होगा। सऊदी अरब की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में जो न्यू मुरब्बा नाम का शहर बनने वाला है, जो एक विशाल संरचना होने वाली है, वो आखिर कैसा होगा। दोस्तों वीडियो को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब जो शहर बनाने वाला है वो पूरी दुनिया से बिल्कुल हटके है। वीडियो के तहत इस शहर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो शायद आज तक इंसानों ने नहीं देखी है। बताया गया इस बड़े शहर में एक बहुत बड़ी इमारत होगी जिसका आकार एक क्यूब यानी के बॉक्स जैसा होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बताया गया इस शहर में हजारों की तादाद में होटल होंगे और ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो कि इंसानों का दिल बिल्कुल आसानी से मोह सकती हैं। जैसा कि अभी आपने जाना, सऊदी अरब आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें इसीलिए बनाना चाहता है कि दुनिया भर के जो अमीर अमीर व्यक्ति है वो वहाँ पे जाके निवेश करें, वहाँ पे रहें। हालांकि दोस्तों इस शहर को लेकर थोड़ा मोड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। असल में जो एक नया शहर बनने वाला है उसके बीचों बीच जो क्यूब डिजाइन का यानी कि बॉक्स जैसी जो एक इमारत बनने वाली है उसका डिजाइन काफी हद तक वो मुस्लिमों के धर्म स्थल मक्का की तरह लग रहा है। इसी की वजह से सोशल मीडिया पर कई यूजर इसका विरोध भी कर रहे हैं कि आखिर काबे से मिलती जुलती चीज क्यों बनाई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है खाना को दोबारा गर्म करने के बारे में। दोस्तों खाना हमेशा गर्म और ताज़ा होना चाहिए, लेकिन वो इतना भी गर्म ना हो कि शरीर को नुकसान पहुँचाए। हल्का गर्म खाना पाचन तंत्र में मौजूद एंजाइम को तेजी से रिलीज करता है, जिसके चलते खाना जल्दी पचता है और सेहत अच्छी बनी रहती है। आयुर्वेद आचार्य पंडित अभिषेक उपाध्याय बताते हैं कि गर्म खाना कोई शक नहीं है कि स्वाद में बेहतर होता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में लोगों को तीनों टाइम गर्म खाना मिल पाना काफी मुश्किल है। इसीलिए लोग बासी खाने को बार बार गर्म करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत ही खतरनाक है, खासतौर से आलू, अंडा, चिकन और हरी सब्जियों के लिए। बताया गया खाने को बार बार गर्म करने से उसके भीतर केमिकल रिएक्शन होता है जो पोषक तत्वों को जहर में बदल देता है। इसी की वजह से इससे बचना चाहिए, यानी कि खाने को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तरीका लगाना चाहिए कि आपका खाना आखिर किस तरह से नेचुरली गर्म रहे। बताया गया खाने को नेचुरल तरीके से गर्म रखना बिल्कुल संभव है, इसके लिए बाजार में तमाम तरह के बर्तन उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो खाना गर्म करने के लिए जो अच्छी क्वालिटी वाले बर्तन आते हैं आप उसे खरीद सकते हैं, वरना आलू, अंडा, चिकन और जो हरी सब्जियां हैं और ऐसे खाने का सेवन करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, जैसा कि दैनिक भास्कर की इस जानकारी में बताया गया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएफ की ब्याज दरों को लेकर। दोस्तों कभी प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ की ब्याज दर 8.65% हुआ करती थी, हालांकि इसमें कमी आई और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पीएफ की ब्याज दर 8.1% रह गई। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक खबरों की माने तो सरकार इस वित्तीय वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज दर को 8% कर सकती है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बागेश्वर धाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे, इन दिनों अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर अपने पुराने घर वापसी मिशन को तूल पकड़ा दी है। अभी हाल ही में बीते रविवार को धाम में आयोजित घर वापसी कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री ने 220 ईसाइयों को घर वापसी कराई और उन्हें दीक्षा देकर फिर से हिंदू धर्म में शामिल कराया। हालांकि दोस्तों इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री के भाई के बारे में शराब के नशे में एक शादी में घुसकर पिस्तौल तानने की खबर आ रही है। जी, मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के प्रमुख के भाई जिनका नाम सौरभ है, उनके द्वारा गुंडागर्दी करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाया गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने एक दलित महिला की शादी में घुसकर वहाँ
वहाँ मौजूद अतिथियों को कट्टा यानी कि देसी पिस्तौल दिखाया और धमकाया। रिपोर्ट के अनुसार अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री पूरे देश को धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, नशा से बचने के बारे में बताते हैं, पर उनका ही भाई इस तरह की चीजों में शामिल है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है लव जिहाद के बारे में एक बड़े ही विवादित बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में श्रीराम सेना प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने लव जिहाद पर एक विवादित बयान दिया है। बागलकोट में शिवाजी महाराज की जयंती पर एक आयोजन हुआ था जिसमें प्रमोद ने वहां मौजूद युवाओं से कहा कि लव जिहाद को रोकने के लिए मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाएं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने वाले लोगों को नौकरी और सुरक्षा दी जाएगी और ये सभी जिम्मेदारी हमारी सेना की होगी। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदू लड़की के बदले जो हिंदू लड़के हैं वो 10 मुस्लिम लड़कियों को फंसाए, नौकरी और सुरक्षा हम देंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी हाल ही में बीते सोमवार को अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ नजर आए। बाइडेन का ये दौरा बड़ा ही चौंकाने वाला है। बात यह है कि इस दौरे की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। यूक्रेन के कीव पहुंचने के बाद जो बाइडेन ने कहा रूस की कोशिश है कि वो यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। रूस के राष्ट्रपति वोलोदिमिर पुतिन को लगा था कि वो हमें अलग थलग कर देगा, लेकिन आज एक साल बाद भी हम एक साथ खड़े हैं, मेरी यहाँ मौजूदगी इसकी मिसाल है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये भी कहा कि पाबंदियों के चलते रूस की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो चुकी है, पर हम यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, उसे नए हथियार और एयर डिफेंस रडार दिए जाएंगे। इसी दौरान जो बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन की मदद, जेवलिन मिसाइल, कई तरह की तोपें, इसके अलावा भी कई और मदद का ऐलान किया। बताया गया अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये दौरा इतने खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया कि रूस को भनक तक नहीं लगी। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की जंग को लगभग एक साल होने वाला है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वहाँ पे पहुँचना एक बड़ी हलचल को दर्शा रहा है जो आने वाले दिनों में हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के दिवालिया होने को लेकर। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान की कोई आक्रामक ख्वाहिश नहीं है, ये देश दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए काम करेगा। बताया गया विदेशी मुद्रा भंडार में करीब अब 25,000 करोड़ रुपए ही बचे हुए हैं। साथ ही बताया गया पाकिस्तान की GDP के 80% के बराबर कर्ज हो चुका है जिसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। बताया गया पेट्रोल डीजल की खपत कम हो इसके लिए शॉपिंग मॉल को, रेस्टोरेंट को, बाजार को शाम में जल्दी बंद करवा दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान पर इतना ज्यादा कर्ज हो गया है कि वो कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान का दिवालिया हो सकता है। दोस्तों आप अगर हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि हम एक डिफॉल्ट देश में रह रहे हैं। बताया गया आने वाले दिनों में अगर सच में पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो पहला दिन पाकिस्तान के लिए किसी इमरजेंसी से कम नहीं होगा। बाजार में बड़ी गिरावट की शुरुआत होगी, कंपनियां, फैक्ट्रीज और सर्विसेज खुद को दिवालिया घोषित करना शुरू करेंगी। वहीं दिवालिया यानी कि डिफॉल्ट होने के बाद पाकिस्तान का पहला हफ्ता ऐसा होगा कि पाकिस्तानी रुपए में बहुत तेजी से गिरावट होगी। कच्चा माल इंपोर्ट न होने से कई सेक्टर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे क्योंकि विदेशों से कोई माल नहीं आएगा। तेल की कमी से एयरलाइंस और शिपिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी। साथ ही बताया गया डिफॉल्ट होने के बाद पहला महीना कुछ ऐसा हो सकता है कि लोग बैंकों से अपने सभी पैसों को निकाल लेंगे जिससे वित्तीय सिस्टम बिगड़ जाएगा, आर्थिक मंदी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। ऐसे में समाज में अशांति फैल जाएगी और इसकी वजह से क्राइम भी बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे को लेकर। दोस्तों भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखता है। ट्रेन परिचालन की छोटी से छोटी जानकारियों को रेलवे अपने यात्रियों के साथ साझा करता है। तो इसी बीच ये खबर आ रही है कि आने वाले 4 मार्च तक दिल्ली यूपी बिहार की कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं कई ट्रेनों का रूट भी बदलेगा। अब दोस्तों मैं एक एक करके सभी ट्रेनों के नंबर या उनकी जानकारियां नहीं बता पाऊंगा। जाहिर बात है एक एक करके बताने की वजह से वीडियो काफी लंबा होगा, तो इसी की वजह से इन सभी गाड़ियों की जानकारियां आपकी स्क्रीन पर स्क्रॉल करके दिखाई जा रही हैं। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह को धमकी मिलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को इशारों इशारों में धमकी दे दी है। अमृतपाल ने बीते रविवार को पंजाब के मोगा जिले के बुद्ध सिंह वाला गाँव में कहा कि इंदिरा गांधी ने भी दबाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या हाल हुआ, अब अमित शाह अपनी इच्छा को पूरी करके देख लें। अमृतपाल सिंह ने ये भी कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, मुझे बताओ कि कभी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र की बात कहने वालों पर कार्रवाई करेंगे, इसका मतलब हिंदू और सिखों की इंस्पिरेशन का फर्क है, यानी कि सिख राष्ट्र के बारे में बात नहीं कर सकते लेकिन हिंदू बात कर सकते हैं। साथ ही में अमृतपाल ने आगे कहा, मुझे ये लगता है कि दबाने से कुछ नहीं दबता, इंदिरा गांधी ने ये करके देख लिया है, क्या नतीजा निकला तो अमित शाह भी करके देख लें, हम तो हथेली पे सिर रखकर चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट के चैट बॉट को लेकर, जो कि खुद ही अपने आप को डेवलप कर रहा है और अब वो कई काम ऐसे कर रहा है जो आने वाले दिनों में इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हां, माइक्रोसॉफ्ट के आई बिंग चैट बॉट को लेकर अब चिंताएं शुरू हो गई हैं। दरअसल अभी हाल ही में
AI चैटबॉट ने परमाणु कोड चोरी करने की धमकी दी थी और अब इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि बिंग ने यूजर को धमकी दी है, यानी कि चैटबॉट ने निजी जानकारी दुनिया को बता देगा और उसका करियर बर्बाद कर देगा। दोस्तों आपको बता दें, ये बातें किसी इंसान ने नहीं कही है बल्कि एक चैटबॉट है जो कि AI आधारित है। दोस्तों अगर आप AI के बारे में नहीं जानते हैं यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में और इन शॉर्ट में बता दें कि AI का इस्तेमाल जहां भी किया जाता है, जिस भी सिस्टम में किया जाता है, तो वो सिस्टम काफी हद तक इंसान के दिमागों की तरह काम करने लगता है, यानी कि बातों को समझकर वो आपको जवाब दे सकता है। अगर कोई जानकारी उसे मिल रही है तो वो उसे अपनी मेमोरी में सेव कर सकता है और आने वाले दिनों में आपको वो बताएगा जैसे कि इंसान बताते हैं। वहीं इस तरह के सिस्टम को जैसे जैसे इंसान इस्तेमाल करते जाते हैं, तो जिस तरह से इंसानों का तजुर्बा बढ़ता है, तो ठीक इसी तरह से AI वाले सिस्टम का भी तजुर्बा बढ़ता है। AI सिस्टम सभी डेटा को रोजाना ही अपने पास सेव करता जाता है और आने वाले दिनों में उसी के आधार पर जवाब भी देना शुरू कर देता है। जैसे एक बहुत ही छोटी सी और आसान मिसाल से समझें कि अगर AI सिस्टम को ये बता दिया जाता है कि भारत देश की राजधानी दिल्ली है, तो अगली बार जब भी दिल्ली का जिक्र आएगा तो वो आपके पूछे बिना भी अगर उसे जरूरत महसूस होगी तो वो खुद ही आपको बता देगा कि देश की राजधानी दिल्ली है। कुल मिलाकर कहें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, एक AI सिस्टम अपने आप को डेवलप करता है और ये काफी हद तक इंसानों के दिमाग की तरह काम करता है, काफी चीजें अपने आप ही सीखता है, आने वाले दिनों में उसी के तहत जवाब देता है। तो इसी कड़ी में माइक्रोसॉफ्ट का जो AI बिंग चैटबॉट है जो कि AI आधारित है, उसने अभी हाल ही में एक यूजर को धमकी दी है कि वो उसकी निजी जानकारी पूरी दुनिया को बता देगा और उसका करियर बर्बाद कर देगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आधार कार्ड आज सभी के लिए लगभग जरूरी हो गया है। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं उठा सकता। आधार कार्ड के इसके अलावा भी कई और फायदे हैं। दोस्तों इसी बीच ये जानकारी आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा, तो 31 मार्च के बाद ऐसे लोगों का पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, साथ ही में आधार कार्ड पर भी असर पड़ेगा। इसी बीच अभी हाल ही में बीते 20 फरवरी को एक बार फिर से आधार कार्ड डिपार्टमेंट ने देश के सभी लोगों को ये जानकारी दी है कि जिन लोगों का आधार कार्ड बने 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, उन्हें इसे अपडेट कराना होगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में UIDAI की तरफ से ये जानकारी दे दी गई थी कि 10 साल में एक बार आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी है। यानी कि अगर आपने 10 साल के अंदर अपने आधार कार्ड में किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया है, यानी कि ना तो नाम बदलवाया है, ना ही एड्रेस बदलवाया है, ना ही फोटो बदलवाई है, तो ऐसा होने की वजह से हर 10 साल में एक बार आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। ऐसा ना करने की वजह से आने वाले दिनों में आपका आधार कार्ड इनएक्टिव भी किया जा सकता है। साथ ही इसी बीच आधार कार्ड डिपार्टमेंट की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो इस चीज का फायदा उठाकर आपको चूना लगा दें। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि आपका आधार कार्ड कैसे अपडेट होगा। दोस्तों आधार कार्ड को अपडेट करने के केवल दो तरीके हैं। पहला है ऑफलाइन, यानी कि आपको आधार कार्ड के सेंटर पे जाना होगा और ऑफलाइन तरीके से आधार कार्ड को अपडेट कराने पर आपको 50 रुपए देने होंगे। हालांकि इससे आसान ये है कि जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल का मतलब ये है कि आधार कार्ड की जो असली वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर भी अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करने पर आपको केवल 25 रुपए देने होंगे। तो इन दो तरीकों के अलावा आधार को अपडेट करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में आपके पास कोई कॉल आए या कोई मैसेज आए कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें और इसके बदले आपसे सामने से आपकी निजी जानकारियां मांगी जाएं, तो ध्यान रखें इस तरह के कॉल पर आपको कोई जानकारी नहीं देनी है। अगर आप अपनी निजी जानकारियां दे देंगे तो आने वाले दिनों में आपको चूना लगाया जा सकता है, यानी कि बैंक खाते से आपके पैसे वगैरह चोरी हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओला उबर बाइक टैक्सी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बीते रविवार को एक पब्लिक नोटिस जारी करते हुए प्राइवेट बाइक टैक्सी के कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नोटिस में यह साफ साफ कहा गया है कि आदेश जारी होने के बाद भी अगर बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया तो लोगों का चालान काटा जाएगा, साथ ही में नियम का उल्लंघन करने पर बाइकरों का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दिल्ली जैसे शहर में अब बाइक टैक्सी भी चलना शुरू हो गई है, यानी कि आप सफर करने के लिए कार की तरह बाइक को भी बुक कर सकते हैं। अब बाइक को लेकर परेशानी यह है कि बहुत सारी बाइकें प्राइवेट होने के बावजूद कमर्शियल की तरह काम कर रही हैं। इसी की वजह से परिवहन विभाग ने ये चेतावनी दी है कि जो भी प्राइवेट बाइक कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इसे फौरन तौर पे बंद कर दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में बाइकरों का चालान कटेगा और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने बाइक टैक्सी की सेवा उपलब्ध कराने वाले सभी एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी जारी की है, यानी कि ओला उबर को उनके लिए भी कहा गया है अगर उन्होंने अपने ऐप पर इस तरह के बाइक की बुकिंग जारी रखी तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक और वायरस को लेकर जिसका नाम है एडिनो वायरस। जी हां, पश्चिम बंगाल में बच्चों के बीच एडिनो वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में बाल चिकित्सा वार्ड में सांस की बीमारियों से पीड़ित बच्चे तेजी से आ रहे हैं, जिनमें से कई एडिनो वायरस से संक्रमित माने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि एडिनो वायरस क्या होता है तो आपको बता दें, क्लीवलैंड क्लिनिक की एक रिपोर्ट के अनुसार एडिनो वायरस एक तरह का वायरस है जो आपके शरीर को हल्के से लेकर गंभीर रूप से संक्रमित कर सकता है। एडिनो वायरस संक्रमण ज्यादातर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। इस बीमारी में नियमित सर्दी,
या फ्लू जैसे लक्षण होते हैं और जैसा कि अभी आपने जाना सांस लेने वगैरह में भी परेशानी होती है। बताया गया एडिनो नाम का ये वायरस सभी उम्र के लोगों को बीमार कर सकता है। हालांकि ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे आम है और फिलहाल अभी ये फैल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आलिया भट्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक आलिया भट्ट अपने डिलीवरी के 3 महीने के बाद काम पर वापस लौट आई हैं। उन्होंने 6 नवंबर को अपनी बेटी को जन्म दिया था। इसी बीच उन्हें योग क्लास के बाहर भी सपोर्ट किया गया। इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई फैंस ने ये भी कहा है कि आलिया भट्ट माँ नहीं बल्कि खुद बच्ची लग रही हैं, क्योंकि उन्होंने 3 महीने के अंदर अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन कर लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कंतारा मूवी के पार्ट 2 को लेकर। जानकारी के मुताबिक ऋषभ शेट्टी ने अभी हाल ही में कंतारा के प्रीक्वल का अनाउंसमेंट किया था। इसी बीच ये कहा जा रहा है कि इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ सुपरस्टार रजनीकांत भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि ऋषभ शेट्टी ने बातों बातों में इसका इशारा किया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अभी हाल ही में जिन 2 मुस्लिम युवकों को बलेरो कार समेत जिंदा जला दिया गया था उसी केस से जुड़े कुछ नए अपडेट्स को लेकर। दोस्तों 2 मुस्लिम युवकों को बलेरो में जिंदा जलाने के मामले में राजस्थान पुलिस मुश्किलों में फंसती जा रही है। अब भरतपुर के गोपालगढ़ थाने के SHO राम नरेश का एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए जुनैद और नासिर को जलाया गया है। साथ ही में उन्होंने ये भी दावा किया है कि जिन 2 मुस्लिम युवकों को जलाया गया उनमें से एक की मौत पिटाई की वजह से पहले ही हो चुकी थी, यानी कि 2 में से एक युवक को जलाने से पहले ही इतना पीटा गया कि पीटने की वजह से ही उसकी जान चली गई। इस केस की जांच कर रहे SHO राम नरेश ने यह भी कहा है कि गौ रक्षकों ने सबूत मिटाने के लिए नासिर और जुनैद को बोलेरो में बैठा कर जला दिया था। दोस्तों आपको बता दें इस केस में हरियाणा की पुलिस और राजस्थान की पुलिस आमने सामने है। कई लोगों का ये कहना है कि जो हरियाणा की पुलिस है वो मोनू मानेसर को बचाना चाहती है जो कि इस केस में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो फिलहाल अभी अंडरग्राउंड है, छुपा हुआ है। वहीं राजस्थान की पुलिस इस केस में जो भी आरोपी है सभी को ढूंढ रही है। वहीं दोस्तों इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि गुरुग्राम में मोनू सर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग। जी हरियाणा के भिवानी में 2 मुस्लिम युवकों की हत्या के आरोप में घिरे मोनू मानेसर के समर्थन में अब लगातार गुरुग्राम में प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हाल ही में बीते सोमवार को मानेसर गांव के ग्रामीण युवा हिंदू संगठनों के साथ सड़क पर उतरे और मोनू मानेसर को निर्दोष बताते हुए CBI से पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारत और सिंगापुर को लेकर। जी हां प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग आज यानी कि 21 फरवरी को भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI और सिंगापुर के पे नाउ बीच सीमा पर कनेक्टिविटी के शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। वो सुबह 11 बजे भारतीय समय अनुसार होने वाले कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। बताया गया इसकी वजह से आने वाले दिनों में UPI के जरिए सिंगापुर में भी पेमेंट करना काफी आसान हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की सरकार को न्यू पेंशन स्कीम का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45,000 करोड़ रुपए नहीं मिलेगा। बताया गया इसे NPS को खत्म कर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले गहलोत के लिए झटका माना जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने NPS का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अगर कोई राज्य किसी कारण से ये डिसीजन लेता है कि NPS का जो फंड है वो इकट्ठा दे देना चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। साथ ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये भी कहा है कि जो राज्य है वो कर्ज लेकर अपने राज्य के अंदर फ्री स्कीम्स न चलाएं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए बीते सोमवार का दिन काफी अहम साबित हुआ। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी मगर लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सोमवार को शाम 5 बजे तक हाजिर होने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के मुताबिक वो इमरान खान के लिए आखिरी मौका था, हालांकि वो हाजिरी के लिए पहुंच गए और जो उनकी गिरफ्तारी होने वाली थी फिलहाल वो टल गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ओयो के फाउंडर को लेकर, जो कि अभी हाल ही में मिले हैं PM मोदी से। जानकारी के मुताबिक हॉस्पिटलिटी चैन ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को अपनी शादी में आमंत्रित किया है। वो अभी हाल ही में शादी का न्योता देने PM मोदी से मिलने पहुंचे थे। बताया गया रितेश अग्रवाल की इस साल मार्च में शादी होनी है। शादी के बाद दिल्ली के एक 5-स्टार होटल में रिसेप्शन होगा, इसी कड़ी में वो PM मोदी से मिलने गए थे अपनी मंगेतर और माँ के साथ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुवाहाटी में एक दर्दनाक घटना होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक असम के गुवाहाटी में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति और सास की हत्या कर दी है। बताया गया हत्या करने के बाद शव के टुकड़े किए और उसे 3 दिन तक फ्रिज में रखा। इसके बाद महिला और उसके प्रेमी और एक दोस्त मिलकर उन टुकड़ों को मेघालय में ले जाकर चेरापूंजी की खाई में फेंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना पिछले साल यानी कि अगस्त 2022 की है। पुलिस ने अब 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गौतम अडानी को जितने पैसे का नुकसान हुआ है उसे लेकर। बताया गया अभी हाल ही के दिनों में गौतम अडानी को बीते 27 दिनों में जितने पैसे का नुकसान हुआ है उतने पैसे में पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर जाता। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के बारे में। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में कई गंभीर आरोप लगाए गए थे जिसकी वजह से अडानी कंपनी के कई शेयर एकदम से नीचे आ गए। तो बताया गया इसी कड़ी में बीते 27 दिन में गौतम अडानी को जितना नुकसान हुआ है उन्होंने जितनी दौलत गंवाई है उतने में पाकिस्तान का आधा कर्जा उतर
दर्जा था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा में दो समुदाय के बीच पथराव और फायरिंग होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के नूह मेवात में मामूली सी बात पर बीते सोमवार को दो समुदाय के लोग आपस में लड़ पड़े और इस लड़ाई ने जल्दी हिंसा का रूप ले लिया। बताया गया है इस हिंसक लड़ाई में दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। लोगों ने एक दूसरे पर डंडे बरसाए और गोलियां तक चला दी। जैसे पुलिस प्रशासन को इसका पता चला तो भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। बात यह है कि बिलाल नाम का लड़का काफी तेज बाइक चला रहा था, तभी एक समुदाय ने मोहल्ले में बाइक तेज चलाने की वजह से उसे पीट दिया। उसके पीटने के बाद उसके साथी भी आ गए और ऐसे में दो समुदाय के लोग आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मारने के लिए उतर गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में हुए एक विशाल प्रदर्शन को लेकर। दोस्तों शिक्षा मित्रों ने अभी हाल ही में जो लखनऊ में प्रदर्शन हुआ उसे महासम्मेलन का नाम दिया है। प्रदेश के हर जिले से न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला शिक्षा मित्र बस ट्रेन और अपनी गाड़ियों से पहुंचे। उनकी मांग है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए, मतलब सहायक अध्यापकों की तरह उन्हें भी 40,000 रुपए सैलरी दी जाए। दोस्तों अभी ये जो पूरा मामला है काफी लंबा चौड़ा है, अगर मैं इसके बारे में समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि शिक्षा मित्र क्या है तो आप इसके बारे में यूट्यूब पर या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बाकी हमने आपको इतना बता दिया है कि अभी हाल ही में यूपी के लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया अपनी सैलरी को लेकर। वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, एक आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय की जान ले ली गई, इसको लेकर। बताया गया कर्नाटक में एक आईफोन के लिए एक डिलीवरी बॉय की जान ले ली गई है। घटना कर्नाटक के हासन की है। 20 साल के युवक ने डिलीवरी बॉय को इसलिए जान से मार दिया क्योंकि उसके पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है आरोपी ने डिलीवरी बॉय को मारकर 3 दिनों तक उसकी बॉडी को अपने घर में रखा, फिर शव को रेलवे स्टेशन के किनारे फेंक कर जलाने की कोशिश भी की। हालांकि अब वो पकड़ा गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। दोस्तों देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी की वापसी होना शुरू हो गई है। हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि राजस्थान में पारा 37 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में कोंकण, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में तापमान 39 डिग्री तक पहुँच जाएगा, यानी कि फरवरी के महीने में ही जोरदार गर्मी का एहसास होने लगेगा। आने वाले दिनों में देश के कई और राज्यों का हाल ऐसा ही हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी पुलिस भर्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को जल्दी आवेदन का मौका मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा भर्ती को लेकर एक ट्वीट किया गया है। उसी के तहत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूपी में पुलिस भर्ती के लिए जल्दी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक 2 साल के छोटे बच्चे को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अमृतसर में तन्मय नारंग की उम्र 1 साल 8 महीने है और उसने अपनी इसी उम्र में एक विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। बताया गया इस छोटी सी उम्र में तन्मय नाम के बच्चे ने 195 देशों के फ्लैग को पहचान लिया है। इसी की वजह से बच्चे को वर्ल्ड वाइड बुक ने मेडल भी दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विमेंस T20 वर्ल्ड कप को लेकर। जानकारी के मुताबिक ओपनर समृति मंधाना की विस्फोटक बैटिंग के दम पर भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड को 156 रन का टारगेट दिया। जवाब में आयरलैंड ने 8 ओवर 2 बॉल में 54 रन बनाए। तभी साउथ अफ्रीका के केबेर के मैदान पर बारिश होने लगी और खेल को रोकना पड़ा। दोस्तों विमेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 2 में भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हरा दिया है। साउथ अफ्रीका के केबेरा स्थित मैदान पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। ओपनर समृति मंधाना ने 87 रनों की पारी खेली। इसकी वजह से इंडिया के टीम का स्कोर 155 हो गया। जवाब में आयरलैंड ने 8 ओवर 2 बॉल में 54 रन बना लिए थे। तभी बारिश होने लगी। हालांकि टीम इंडिया DLS में 5 रन आगे थी। जब बारिश के कारण मैच पूरा नहीं हो सका तो भारत मैच जीत गया और पहुंच गया है सेमीफाइनल में। दोस्तों आपको बता दें हम यहां पर विमेंस T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, यानी कि महिलाओं के क्रिकेट की। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 21 फरवरी 2023 के राशिफल को लेकर। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज कमाई के नए रास्ते खुलेंगे, आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज कामकाज के समय आलस से बचें, मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा और नए संबंधों से फायदा होगा, किसी यात्रा की भी संभावना बन सकती है, मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज किसी बात पर साझेदारों से मन मुटाव होने की आशंका है, अपनी बात में संयम रखें। वहीं नौकरी करने वालों को आज संभल कर काम करने की जरूरत है। वहीं बताया गया नए दोस्तों से फायदा होगा। ऐसे ही कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज कोई महत्वपूर्ण काम सार्थक होने के योग बन रहे हैं, गाड़ी सावधानी से चलाएं क्योंकि आज कर्क राशि वालों के लिए चोट लगने के योग बन रहे हैं। वहीं बताया गया लव लाइफ में मधुरता आएगी और लव पार्टनर से कोई अच्छा सा उपहार भी मिल सकता है। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा, किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है, वहीं विरोधियों पर विजय मिलेगी। वहीं कन्या राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज नए कामों में व्यस्तता बढ़ेगी, दोस्तों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर बोलें और दूसरे की बातों को भी दिल से न लगाएं। वहीं तुला राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से
आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी का कोई सहयोग आपको कई समस्याओं से राहत दिलाएगा। दोस्तों को आज आपके साथ की जरूरत है, उन्हें समय दें। वहीं वृश्चिक राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज भवन या जमीन की खरीदारी के लिए अच्छा समय है। उत्तरार्ध में खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है। वहीं धनु राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज आपकी परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा हो, इससे मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। वहीं किसी काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा पर जाना पड़ सकता है। वहीं मकर राशि वालों को लेकर बताया गया है कि आज दूसरों के मामले में ज्यादा दखल ना दें, अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रास्ते में किसी से अभद्र व्यवहार ना करें, अन्यथा समस्या हो सकती है। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है। उत्तरार्ध में तनाव और बढ़ सकता है, गृहस्थ जीवन में भी परेशानियों का अनुभव होगा। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपके खर्चे कम हो जाएंगे, फलस्वरूप आपका मन शांति का अनुभव करेगा। संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं अभी भी रह सकती हैं। वहीं लव लाइफ के बेकार झगड़े से बचें। वहीं आपको यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आज 21 फरवरी 2023 का NBT द्वारा बताया गया टैरो कार्ड के अनुसार ये राशिफल था, बहुत ही इन शॉर्ट में। दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं कि राशिफल कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते हैं, इसी की वजह से हम आपको राशिफल की ये जानकारियां केवल खबर के तौर पे बताते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।